अब तुम हम में से नहीं रहे। सत्य ये है कि पुरु की भांति तुम भी पौरव राष्ट्र से संबंधित हो। और मैं चाहती हूं कि तुम और तुम्हारी मां अब यहां ना रहे। तुम्हें और देवी प्रथा को पौरव राष्ट्र लौटना होगा। मैं आपका आदेश नहीं डाल सकता दस्युरानी, परंतु मैं अपने प्रतिशोध को भी नहीं डाल सकता। आप चाहती हैं मैं अपनी मां को लेकर यहां से चले जाऊं, अवश्य चला जाऊंगा, परंतु पुरु से प्रतिशोध लेने के बाद। पुरु ने आज दस्यु लोक का विनाश किया, परंतु पिछले 21 वर्षों से उसने मेरे जीवन में विष खोला। दस्यु लोक के साथ साथ वो मेरा भी अपराधी है और उसे मैं क्षमा नहीं कर सकता। पुरुष से प्रतिशोध देने के बाद मैं स्वयं यहां से चला जाऊंगा दस्युरा। हस्ती, सत्य को समझे बिना पुरु पर ऐसे संदेह करना उचित नहीं। कम से कम एक बार उसे अपने आप को निर्दोष सिद्ध करने का अवसर तो दो। जब सत्य सामने हो तो परख की कोई आवश्यकता नहीं। और सत्य ये है कि पौरव सैनिकों ने हम पर यहाँ आक्रमण किया और उसी समय पुरु यहाँ से गायब हो गया। यह अपने आप में एक प्रमाण है कि पुरु ही दोषी है और अब समय है दोषी को दंड देने का। होली आ रही है, पूरा पौरव राष्ट्र होली मनाने में मग्न होगा और उसी दिन हम दस्यु पौरवों पर आक्रमण करेंगे, उनके भंडार लूटेंगे, उनके साथ वही करेंगे जो उन्होंने हमारे साथ किया। जैसा भस्म उन्होंने हमारे लोग को किया, वैसा ही भस्म हम उनके राज्य को करेंगे। उन्होंने हमारे साथ रक्त की होली खेली है ना, अब हम उन्हें विध्वंस की दिवाली दिखाएंगे। और तुम हमारे साथ नहीं आओगी। पुरु के सामने तुम भावुक हो जाती हो और युद्ध में भावुक होने वाले भयानक विनाश करवाते हैं। वैसे भी दस्यु लोग बहुत कुछ सह चुका है, अब तुम्हारी भावनाओं का मूल्य नहीं चुका सकता। परमा, ये माँ की सीख नहीं, दस्यु रानी का आदेश है।